हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानते हैं चैप्टर यूनिट वन का जो है सेक्शन नंबर बी गूस चेज। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि यूनिट वन का सेक्शन ए है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम लोग सेक्शन बी पढ़ते हैं गूस चेज। गूस चेज यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं लेसन एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद में हम लोग आहिस्ते आहिस्ते एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू ever been in situation where you thought that something was about to happen and you acted in a funny way? What was the situation? What happened in the end? Friends, kya aap kabhi bhi aise situation mein aaye hain ki aap soche hain ki kuch to hone wala hai और आप उसे एक फनी वे में, एक फनी या फिर एक कॉमेडी वे में उस सिचुएशन को आपने एक्ट किया है, तो वो क्या सिचुएशन था और एंड में क्या हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए हम आज चैप्टर को शुरू करते हैं, जरूर बताइएगा आप, ठीक है। चलिए, इट वॉज बीना हु फर्स्ट गॉट विंड ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। बीना फर्स्ट थी जिसे हवा लगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वैडलिंग सेडेटली टूवर्ड्स हर वेर फोर एडोरेबल गीज नेम्ड आफ्टर फेमस एक्सप्लोरर्स कोलंबस, मार्कोपोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसन। तो बिना ही वो फर्स्ट पहली लड़की थी जिसे हवा लगी, किसी बात की हवा लगी। किस बात की, वह अभी आगे हमको पता चलेगा। वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स लाइक अ डक इन अ काम एंड रिलैक्स्ड वे। वेडलिंग सेडेटली का मतलब होता है वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स लाइक अ डक इन अ काम एंड रिलैक्स्ड वे। Towards her were four adorable geese. उसके सामने, उसके नजदीक आ रहे थे जो कि चार गीज थे। यहाँ पे गीज क्या है, वो एकदम बिल्कुल भी बतख जो डक बोलते हैं उसी की तरह दिखते हैं और वो फार्म्स वगैरह में पाले जाते हैं उन्हें, वो अंडे और मीट के लिए। नेम्ड आफ्टर, उनका नाम रखा गया था फेमस एक्सप्लोरर्स के बाद, कोलंबस, मार्कोपोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसन। द गीज हरी टूवर्ड्स हर देयर हेड्स बॉबिंग बैक एंड फोर्थ। तो गीज जो है उसके सामने एकदम तेजी से आने लग गए, अपना हेड को जो है फोर्थ एंड बैक, जो डक का जो चलने का मूवमेंट होता है उसी तरह से गीज भी उसके सामने जा रहे थे, तो वो एकदम तेजी से जा रहे थे। एज बीना पैटेड देम शी हर्ड वन ऑफ द हॉस्टल कुक्स गिगल एंड थ्रेटन, इफ यू कीप डिमांडिंग मोर फूड वी विल फैटन यू अप फॉर द क्रिसमस फीस्ट लाइक दोज गीज आउटसाइड। बीना ने पैट करते हुए कहा कि उसने कुछ एक बात सुनी है जो कि हॉस्टल कुक जो है धमकाते हुए ये जोर से बोल रहे थे, गुस्से में एकदम डराते हुए, कि अगर आप लोग खाना की डिमांड ज्यादा ज्यादा करने लगेंगे तो हम लोग आपको खिला खिला के इतना मोटा कर देंगे और मोटा करके आपको क्रिसमस फीस्ट के लिए जो है हम लोग गीस के जैसा आप लोगों को मोटा कर देंगे। बीनाज हार्ट सैंक, बीना जो है उसका दिल भर गया। दी स्वीट लवेबल गीज फैशन फॉर द क्रिसमस लंच। उसको बीना को ये बात सुनने के बाद उसको लगा कि अरे ये इतने प्यारे से स्वीट लवेबल गीज हैं और इनको मोटा किया जा रहा है क्रिसमस लंच के लिए। इट कुडंट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई किसी को मोटा करके उसको खाने के लिए मारा जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बीना सॉट हर फ्रेंड्स विनीता, वैलरी एंड निशी एंड टोल्ड देम व्हाट शी हैड ओवरहर्ड। बीना ने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया, विनीता, वैलरी और निशी जो कि उसके और तीन फ्रेंड्स थे, और उनको ये जो उसने बातें सुनी थी हॉस्टल कुक के द्वारा वो उन्हें बताती है। बट वी कांट स्टॉप देम,
They have every right to do what they like with their geese, Valerie said. वैलरी ने कहा कि हम उन्हें नहीं रोक सकते, उनका जो मन करता है उनका पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि वो गीज के साथ कुछ भी कर सकते हैं. विनीता वॉज क्लोज टू टीयर्स, विनीता एकदम उसकी आंखों में आंसू भर गए कि दे कान डू दिस टू दोज डार्लिंग्स. वो ऐसा इतने प्यारे से गीज के साथ वो नहीं कर सकते, उसकी पूरी आंखें भर गई थी. आई थिंक वी कैन डू समथिंग, आई हैव एन आइडिया, बीना सेड. बीना ने कहा हम लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं, मेरे पास एक आइडिया है. द फोर सैट टूगेदर एंड थॉट मे बी बीनाज आइडिया वॉज वर्केबल. चारों ने एक साथ बैठ करके सोच ही रहे थे कि कुछ हो सकता है और मे बी बीना का आइडिया कुछ काम कर जाए. दे कुड स्टील द फोर गीज एंड हाइड देम समवेयर, देन देयर वुड बी नो गीज फॉर द कुक्स टू फैटन एंड स्लॉटर. जैसे कि बीना का आइडिया जो है कुछ काम करने लायक था, तो वो सोच ही रहे थे चारों बैठ करके कि हम इनके लिए कुछ कर ही सकते हैं. दे कुड स्टील द फोर गीज, वो चारों गीज को जो है चुरा सकती थी और कहीं छुपा के वो रखना चाहते थे कि कोई उन्हें खिलाएगा नहीं और उन्हें मारेगा, उन्हें मोटा नहीं करेगा और उन्हें मार के उन्हें खा भी नहीं जाएंगे. तो द नेक्स्ट फ्यू डेज द फोर ऑफ देम डिस्कस्ड प्लान्स इन सीक्रेट. तो चारों ने मिलकर अगले दिन क्या है, उन्होंने एक प्लान, सीक्रेट प्लान डिस्कस किया. डी डे ड्रू नियरर, इट वॉज मेट डिसम्बर एंड गेटिंग वेरी कोल्ड. डी डे जो कि है ए डे ऑन विच समथिंग इम्पोर्टेंट गोइंग टू हैपन. डी डे का मतलब है कि उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो दिन नजदीक आ रहा था. तो इट वॉज मिड डिसम्बर, डिसम्बर का आधा महीना चल रहा था और बहुत ही ठंड भी थी. द गर्ल्स केम टू स्कूल क्लैड इन हैवी ब्लेजर्स. गर्ल्स जो है बहुत ही हैवी ब्लेजर्स में आई थी उस दिन. द डे बिफोर द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन द फोर फ्रेंड्स मेट ऑन द लॉन. All set, Bina asked. She got affirmative answers. चारों जैसे प्लान किया था उन्होंने, तो वो एक बहुत ही हैवी सा ब्लेजर्स उस दिन पहन के आई थी. और एक दिन जो प्लान करने के पहले, डे बिफोर द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन द फोर फ्रेंड्स मेट ऑन द लॉन. एक दिन पहले उन्होंने लॉन में सारा चीज डिसाइड कर लिया था और सारा चीज पुटिन जो भी वो करने वाली थी वो सारा चीज सेट कर लिया था उन्होंने. और बीना ने सभी को पूछा कि और उसे आंसर्स मिला, पॉजिटिव आंसर्स मिला कि हाँ चलो सब चीज ठीक है, हम लोगों ने प्लान बहुत ही अच्छे से कर लिया है. तो द नेक्स्ट मॉर्निंग बीना वेंट स्कूल वियरिंग ए लार्ज ब्लू ओवर कोट. सिस्टर स्टेली द वार्डन नोटिस्ड हर. व्हाट इज दिस, शी आस्क्ड बीना, वेयर इज योर ब्लेजर. द नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दूसरे दिन स्कूल जाते हैं वो लोग, बीना वेंट स्कूल वियरिंग ए लार्ज ब्लू ओवर कोट, बहुत ही लंबा सा ओवर कोट उसने पहन रखा था. तो सिस्टर स्टेली जो कि वार्डन है वहां की, उन्होंने नोटिस किया कि ये क्या है बीना, तुम क्या पहन के आई हो और तुम्हारा ब्लेजर कहाँ पे है. बीना सेड इनोसेंटली, द लेडी अपस्टेयर्स थ्रू सम वाटर ओवर द बालकनी एंड वेट माई ब्लेजर. मामी टोल्ड मी टू वेयर दिस. बीना ने बहुत ही इनोसेंटली जो कि बहुत ही मासूमियत के साथ उसने कहा कि जो लेडी हमारे अपस्टेयर्स में रहती हैं, जो हमारी पड़ोसी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर बालकनी से पानी फेंक दिया मेरे ब्लेजर और मेरा ब्लेजर जो है गीला हो गया. तो मम्मी ने कहा कि मुझे आज ये पहन के जाना है. मामी टोल्ड मी टू वेयर दिस. सिस्टर स्टेली नॉडेड, बट Three other girls also turned up in oversized coats. Four of you. Is this a practical joke? Sister Steely nodded.
सिस्टर स्टिली ने आहिस्ते से अपना सिर मतलब नॉड किया कि लेकिन तीन और गर्ल्स भी है, सेम ओवर साइज कोट्स पहन के आई है, सारे लंबे लंबे कोट्स पहन के आई है, फोर ऑफ यू, क्या ये एक प्रैक्टिकल जोक है? निशी लुक्ड नर्वस, निशी नर्वस हो जाती है. बीना सेड क्विकली, वॉट ए कोइंसिडेंस, फोर ऑफ अस चर्निंग अप लाइक दिस. बीना ने एकदम क्विकली जवाब दिया कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि हम लोगों ने, चारों लोगों ने इस तरह का पहन के आए हैं हम. देयर वॉज अ पॉज. सिस्टर स्टेली स्माइल्ड नोइंगली, गो ऑन, गो टू योर क्लास, बट डोंट लेट कोइंसिडेंसेस लाइक दिस हैपन टू ऑफन. सिस्टर स्टेली ने स्माइल करते हुए, जानते हुए स्माइल किया और उसने कहा कि गो ऑन, चलिए और अपने क्लास में जाइए और इस तरह के कोइंसिडेंसेस कभी और दोबारा होने नहीं दीजिएगा. द गर्ल्स फ्लेड टू देयर क्लासरूम. सारे गर्ल्स जो हैं अपने क्लासरूम की तरफ चले गए. द अदर्स स्टेड एट देम इन सरप्राइज. सारे लोग उन्हें सरप्राइज होकर देखने लग गए कि अरे चारों एकदम लॉन्ग कोट में दिख रहे हैं. द मोमेंट क्लासेस वेर ओवर फॉर दैट डे द फोर फ्रेंड्स चार्ज्ड आउट. दे डिसअपीयर्ड डाउन द कॉरिडोर पास्ट द लाइब्रेरी एंड असेंबली हॉल अक्रॉस द कोर्टयार्ड एंड टूवर्ड्स द किचन. व्हाट लक, देयर्स नोबडी हियर, बीना सेड. द मोमेंट जैसे ही क्लास खत्म होता है तो वो चारों फ्रेंड्स जो है एकदम गायब सी हो जाती हैं. कॉरिडोर, लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, सारा चीज, कोर्टयार्ड, अक्रॉस कोर्टयार्ड एंड टूवर्ड्स द किचन, कहीं भी वो नजर ही नहीं आती. देयर्स नोबडी हियर, बीना सेड. सब जगह वो लोग ढूंढते हैं. जस्ट देन एज इफ ऑन क्यू द फोर गीज वॉकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश. जैसे कि एक क्यू में जाते हैं, चारों गीज जो है पीछे से, एक झाड़ियों के पीछे से जा चुके होंगे. ग्रैब देम, यल्ड निशी. ग्रैब देम मतलब दबोच के पकड़ो, जोर से चिल्लाया निशी ने. फॉरगेटिंग टू विस्पर एज शी लंच्ड एट कोलंबस. जो छुप गया था मैं, एक जो सडन मोमेंट है, लंच्ड का मतलब होता है कि एक सडन मोमेंट, किसी को कैच करना, मतलब झपट्टा मार के. तो जोर से चिल्लाती है निशी कि भूल जाओ कि वो छुप गए हैं, तो उन्हें झपट्टा मार के एकदम पकड़ो. वैलरी रैन आफ्टर अमनसन. विनीता रैन आफ्टर कैप्टन कुक हु वॉज स्करिंग अक्रॉस द कैबेज पैच. वैलरी जो है अमनसन के पीछे दौड़ती है और विनीता जो है कैप्टन कुक के पीछे, और जो कि स्करिंग मतलब रनिंग विद द क्विक शॉर्ट स्टेप्स अक्रॉस द कैबेज पैच, एकदम कैबेज पैच के जो है उसके आसपास वो घूमते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे क्विक स्टेप्स के साथ. तो उन्हें वो क्या करते हैं, सब एक एक गीज के पीछे जो है दौड़ते हैं. तो बीना कॉट मार्को पोलो एंड टॉस्ड हिम इनसाइड हर ओवरकोट. बीना जो है मार्को पोलो को पकड़ चुकी होती है, तो वो क्या करती है, अपने ओवरकोट में उसे छुपा लेती है. बट ही वॉज लार्ज देन शी थॉट सो ही स्टक आउट कॉन्स्पिक्यूअसली एज ही स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ. लेकिन जो है ओवरकोट तो पहने ही थे वो लोग, लेकिन फिर भी क्या है, वो इतने बड़े थे कि वो फिर भी दिख जा रहे थे, और जो है वो कॉन्स्पिक्यूअसली और इजीली वो लोग नोटिस किए जा रहे थे कि इन्होंने कुछ छुपाया है अपने कोट के अंदर. और वो क्या है, गीज जो है अपने आप को छुड़ाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि हम आजाद हो जाए. Bina ignored him and shouted instructions to the others. Get him from over there. Oh no, he is gone. Behind the bench. Go from this side. Got him. Oh, there he is. Quick, get him. Great. तो जो है बीना इग्नोर
कर रही थी सारा चीज और चिल्ला रही थी, चिल्लाते जा रही थी कि ओ नो वो तो इधर चला गया है, उधर चला गया, उधर जाके पकड़ो, बेंच के पीछे छुपा है, उधर चला गया है, उधर से जाके पकड़ो, इधर से जाके पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, और पकड़ लिया तो इट्स ग्रेट। तो निशी ने जो है ग्रिप कर लिया था अमेंडसन को टाइटली, निशी ने अमेंडसन को टाइटली पकड़ चुकी थी, जो कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस हैविंग फ्लेड फ्रॉम वैलेरी रैन राउंड एंड राउंड ए कैक्टस बुश। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो उड़ चुका था वैलेरी के पकड़ से, और वो क्या कर रहा था, राउंड एंड राउंड कैक्टस बुश जो है कैक्टस की झाड़ियों के चक्कर कटवा रहा था। दैट्स इनफ, ए शॉर्प ऑडिटोरियन वॉइस लैश्ड आउट, बस भी करो। एक जो स्ट्रिक्ट आवाज में एक आवाज आई कि एक फीलिंग ऑफ फियर, एक डरा हुआ आवाज में स्ट्रिक्ट, तो गर्ल्स लुक्ड अप विथ ड्रेड। ड्रेड, ड्रेड जो होता है एक डरा हुआ आवाज। सिस्टर स्टेली स्टूड इन द डोरवे टॉल एंड अनअप्रोचेबल। सिस्टर स्टेली जो है डोरवे में खड़ी हो चुकी थी, जो कि एक टॉल और अनअप्रोचेबल। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर फ्यू सेकेंड्स। उस समय क्या हो गया था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। जैसे कि वार्डन है वो एक स्ट्रिक्ट होती है, वार्डन जो भी कोई भी हॉस्टल के वार्डन जो है स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनको देख के सारे बच्चे जो है डर जाते हैं। तो जैसे ही वो डोरवे में पहुंच गई तो क्या है, सारा वहां पे सन्नाटा छा गया था कुछ सेकेंड्स के लिए। देन एज वैलेरी एंड विनीता वर्ल्ड राउंड, वर्ल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है स्पन अराउंड, देयर प्रे फ्लेड कैकलिंग लाउडली टू सेफर पैस्चर्स। सिस्टर स्टेली लुक्ड स्टर्नली एट देम। स्टर्नली का मतलब होता है एक सीरियस वे में। जो वैलेरी और विनीता जो है वर्ल्ड राउंड जो उन्होंने पकड़ा था वो तो उड़ चुका था, और वो क्या क्या हो चुके थे, अपने सेफर साइड में वो जा चुके थे। तो सिस्टर स्टेली उनको एक सीरियस वे में देखती है। नाउ नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, शी आस्क्ड इन ए क्वाइट आईसी वॉइस। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, क्या है वो एक आईसी, एक मतलब जमे हुए आवाज में वो बोल रही हैं, क्वाइट आईसी वॉइस। योर आइडिया ऑफ फन इज इट, देयर वॉज अ डेथली साइलेंस। क्या ये आपका फन आइडिया था, तो सभी का जो है एक साइलेंस, मतलब एक डेथली साइलेंस, मतलब एक आखिरी जो साइलेंस होता है पूरा सन्नाटा वाला, सबके अंदर वो छा चुका था। फ्रॉम इनसाइड बीनास कोट मार्को पोलो गेव एन इंडिग्नेंट स्क्वाक। बीना डंप्ड हिम ऑन द ग्राउंड। बीना के कोट के अंदर से जो है मार्को पोलो एक गुस्सा वाला, मतलब इंडिग्नेंट मतलब गुस्सा वाला, क्योंकि वो एक अनफेयरली उसे ट्रीट किया गया था क्योंकि उनको पकड़ा गया था। तो बीना जो है उसको ग्राउंड पे छोड़ देती है एकदम से। तो ही शूक बैक हिज रफल्ड फेदर्स इंडिग्नेंटली एंड ट्रंडल्ड ऑफ, मूव्ड स्लोली एंड नॉइजीली। तो जो अपने तरीके से वो लोग क्या है जल्दी जल्दी से मतलब चले जाते हैं। निशी पुट अमेंसन डाउन एंड ही टू वेडल्ड ऑफ। तो सभी लोग क्या है करते हैं, जैसे कि सिस्टर स्टीली जो वार्डन है वहां पे पहुंच जाती है, तो क्या है सारे तो गीज जो है बाहर अपने आप को आजाद ही करना चाहते थे, और जो है सारे कोई बीना बीना हो गई, और सारे जो उसके फ्रेंड्स है निशी एक के बाद एक करके स्लोली अपने कोर्ट से जो है उनको निकालते हुए जमीन पर छोड़ते जा रही थी, और वो क्या है अपने रास्ते पे चले जा रहे थे। सो सिस्टर स्टेली सेड स्टर्नली, सो What's your explanation? The four of them exchanged glances. तो सिस्टर स्टीली जो है sternly पूछती हैं कि
आप लोग चारों का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में, क्यों आप लोगों ने इस तरह का काम किया है, क्यों पकड़ रखा है, क्यों क्या करना चाहते थे आप। तो उसके दिमाग में जो क्वेश्चन था उसने इसी तरह एक्सप्लेनेशन मांगा उनसे, तो वी डिडेंट रियली मीन टू सिस्टर स्टेली, वी जस्ट थॉट इट वॉज क्रूएल, वी जस्ट थॉट इट वॉज क्रूएल, वी आर सो फॉन्ड ऑफ देम, इट्स नॉट फेयर टू ईट देम, वी लव देम सो मच। जो है उसके मन में जो था उसने वो बात बता रही थी सिस्टर स्टेली को कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था सिस्टर स्टेली कि जो इतना कोई भी क्रूएल मतलब इतना भी कोई बुरा हो सकता है। वी आर सो फॉन्ड ऑफ देम, हम तो इन्हें बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो इट्स नॉट फेयर कि कोई उन्हें मोटा करे और खिला पिला के और उन्हें क्रिसमस फीस्ट के लिए उन्हें खा जाए। तो वी लव देम सो मच, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आफ्टर ऑल देर आर सम सो मैनी अदर एनिमल्स इन द होल वर्ल्ड, व्हाई ईट दीज। हालांकि दुनिया में तो बहुत सारे जानवर है लेकिन इन्हीं को मार के क्यों खाया जाएगा। सिस्टर स्टीली रेज्ड वन हैंड टू साइलेंस देम, एक हाथ उठा के जो सिस्टर स्टीली उनको क्या है साइलेंस कराती हैं। वन ऑफ यू एक्सप्लेन, बीना एक्सप्लेन्ड, तो सिस्टर स्टीली बोलती हैं कोई एक एक्सप्लेन करो इस बारे में। तो बीना जो है एक्सप्लेन करती है कि रेस्क्यूइंग देम, सिस्टर स्टीली रोड विथ लॉफ्टर, उनका पूरा जो किस्सा वो जो सुनकर जो है सिस्टर स्टीली जो है जोर से एकदम हंसती है, मतलब रोर्ड मतलब एक रोरिंग आवाज में मतलब वो हंसती है कि वॉट एवर गेव यू गर्ल्स द आइडिया वी वेर गोइंग टू किल एंड ईट देम, सर्टेनली नॉट, दे आर योर्स टू प्ले विद एंड लुक आफ्टर। क्या तुमने ये सब सोचा कि कौन तुमको ये आइडिया दिया कि हम, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे और किस तरह का आइडिया आया आप लोगों के दिमाग में कि हम इन्हें मोटा कर रहे हैं और इन्हें खा जाएंगे। सर्टेनली नॉट, दे आर योर टू प्ले विथ एंड लुक आफ्टर, ये आप लोग को खेलने के लिए है और आप लोग के लिए है, तो इन्हें क्यों मार के कोई खाएगा। थैंक यू सिस्टर स्टेली, फोर रिलीव्ड वॉइसेस सैंग इन कोरस। तो चारों जो है एक राहत भरी सांस मतलब आवाज में बोलते हैं और एक कोरस में एक साथ थैंक यू सिस्टर स्टीली। तो इस चैप्टर से हम लोगों ने यही समझा, इस चैप्टर से हम लोगों ने जो भी समझा है उसको हम एक बार समरी में देख लेते हैं, फिर बाद में इसका एक समराइज हो जाएगा अच्छे से तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो समरी है गूस चेज का, तो द स्टोरी इज अबाउट फोर गर्ल्स, बीना, विनीता, वैलरी एंड निशी, हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ फोर एडोरेबल गीज। ये स्टोरी है चार लड़कियों के बारे में जिनका नाम है बीना, विनीता, वैलरी एंड निशी, जो कि बहुत ही फॉन्ड ऑफ फोर एडोरेबल गीज। तो इनको जो है बहुत ही ये इसके बाद अडोरेबल गीज को ये मतलब उन्हें पसंद करती हैं। तो दे लिव इन द स्कूल कैंपस एंड आर नेम्ड आफ्टर फेमस एक्सप्लोरर्स। तो वो एक स्कूल हॉस्टल मतलब स्कूल कैंपस में ही रहती हैं, तो उनका नाम जो है चार एक्सप्लोरर्स के नाम पर पड़ा था। वन डे बीना ओवरहियर्स द हॉस्टल कुक, एक दिन जो है बीना अपने हॉस्टल कुक को कुछ बोलते हुए गुस्से में बोलते हुए सुनती है कि थ्रेटनिंग द गीज दैट ही विल किल देम। तो गीज को क्रिसमस फीस्ट के लिए मारना चाहते हैं, फॉर द क्रिसमस फीस्ट। द गर्ल्स डिसाइड टू सेव द गीज बाय हाइडिंग देम समवेयर सेफ। द गर्ल्स फिर गर्ल्स ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम इन गीज को बचाएंगे, गीस को बचाएंगे, उन्हें हाइड कर देंगे, उन्हें कहीं छुपा देंगे सेफ जगह पे। दे वियर ओवर साइज
coats to school instead of the regular school blazers and plan to hide the geese under their coats and hide them somewhere safe. तो गर्ल्स ने क्या डिसाइड किया कि वो एक ओवरसाइज्ड कोट्स पहन के जाएंगे, बड़े बड़े कोट्स पहन के जाएंगे इंस्टेड ऑफ स्कूल ब्लेजर्स, जो कि स्कूल में रेगुलर ब्लेजर्स चलते हैं उसको पहनने के बजाय वो लंबे से बड़े से ढीले ढाले से एकदम कोट पहन के ब्लेजर्स पहन के जाएंगे. और वो प्लान कर रहे थे कि हम किस तरह से हम गीज को जो है अपने कोट के अंदर उन्हें छुपा लेंगे, ताकि वो सेफली हम छुपा लेंगे. तो सिस्टर स्टीली कैचेस देम बट दे एस्केप द कैच विद एन एक्सक्यूज. सिस्टर स्टीली तो उन्हें पकड़ लेती है कि ये इस तरह के कोट ब्लेजर वगैरह क्यों पहन के आई है, जो कि स्कूल का है ही नहीं. तो लेकिन वो क्या है, एस्केप कर जाते हैं. वो अपना एक्सक्यूज बोल करके वो एस्केप, मतलब एक्सक्यूज बोलकर वो चले जाते हैं. लेटर दे गो टू कैच द गीस बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉइसी. बाद में तो वो गीस को कैच करने के लिए जाती हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट और वो नॉइजी भी है. सिस्टर स्टीली कॉन्फ्रंट्स देम एंड दे एक्सप्लेन व्हाई दे वांट टू रेस्क्यू द गीस. सिस्टर स्टीली जब उनके सामने आती है, उन्हें पूछती है एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेन करो कि क्यों वो छुपाना चाहती हैं गीस को. तो सिस्टर स्टीली रोर्स विथ लाफ्टर एंड अश्योर्स द गर्ल्स दैट नो वन विल किल द गीस एंड दे आर देयर्स टू प्ले विद एंड लुक आफ्टर. सिस्टर स्टील जो है चिल्लाते हुए और हंसते हुए बोलती है और गर्ल्स को अश्योर करती है कि उन्हें आश्वासन देती है कि गर्ल्स को कि कोई इन्हें मार के खाने वाला नहीं है, ये तो आप ही लोग के लिए है, आप ही लोग के लिए खेलने के लिए है और इन्हें देखभाल करने के लिए है कि आप ही लोग खेलिए इनके साथ. तो द गर्ल्स गेट रिलीव्ड एंड थैंक्स सिस्टर स्टील. तो गर्ल्स जो है एक राहत भरा सांस लेती है और सिस्टर स्टीली को थैंक बोलती हैं, थैंक यू कि आपने हमें अश्योर कर दिया कि इन्हें कोई मार के खाने वाला नहीं है मोटा करके. तो इस चैप्टर से हम यही समझते हैं कि कोई भी बात हम आधा अधूरा सुनते हैं, जो कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार वो सच ही हो जाए. तो कभी भी जो है पूरे अच्छे से सच्चाई को हम जब तक जान नहीं लेते हैं, उसको आधा अधूरा बात समझ के अपने लाइफ में हमें जो है उस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए. तो कभी कभी वो डिसीजन भारी भी पड़ सकता है. तो इस चैप्टर से हम यही समझते हैं कि गर्ल्स ने जो आधे अधूरे बात सुने थे उस पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, हम गीस को बचाएंगे. तो ये तो था कि गीस को बचाने चले थे, लेकिन कभी कभी सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसा भी आ जाता है कि और हम प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं. तो इसीलिए प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है हमें कभी भी आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए. जो भी है हमें पूरा उसका बात पूरा अच्छे से जान के समझ के परख के तब उसका कुछ हल निकालना चाहिए. चलिए फ्रेंड्स, अब आप मेरे फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आपको आगे की वीडियोस और मिलती रहें चैप्टर्स में. और हम लोग अभी बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, जो कि है फर्स्ट सेक्शन में है क्वेश्चन आंसर्स. तो आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. द नेक्स्ट फ्यू डेज द फोर ऑफ देम डिस्कस्ड प्लान्स इन सीक्रेट. अगले दिन चार लोग डिस्कस किए प्लान सीक्रेट में. फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज द फोर ऑफ देम रेफर टू. तो चार लोग जो है कौन है इसमें जो रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्लान्स डिड दे डिस्कस. एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड दे डिस्कस द प्लान इन सीक्रेट. सेकेंड क्वेश्चन जो था कि क्या प्लान था जो डिस्कस किए थे. थर्ड क्वेश्चन का मतलब है कि क्यों उन्होंने प्लान डिस्कस किया सीक्रेट में. चलिए हम लोग अभी इसका आंसर जानते हैं. तो अबाउट द पैसेज, तो इसका है आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का हम आंसर फर्स्ट नंबर आंसर जानते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हु डज द फोर ऑफ देम रेफर टू.
द फोर ऑफ देम रेफर्स टू बीना, विनीता, वैलरी एंड निशी. और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट प्लान डिड दे डिस्कस, तो उन्होंने क्या प्लान डिस्कस किया. दे डिस्कस, आंसर टू है, दे डिस्कस्ड अबाउट स्टीलिंग द फोर गीज एंड हाइडिंग देम समवेयर टू रेस्क्यू देम. उन्होंने क्या डिस्कस किया कि हम वो चारों गीज को चुरा लेंगे और उन्हें हाइड करेंगे, उन्हें छुपा लेंगे हम कहीं उन्हें, ताकि उन्हें कोई मारे ना. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज कर करके लिखते हुए भी जा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम अभी बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है, सो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डिड दे डिस्कस द प्लान इन सीक्रेट, तो उन्होंने प्लान सीक्रेट क्यों किया, डिस्कस किया. इसका आंसर है, दे डिस्कस द प्लान इन सीक्रेट बिकॉज दे वॉन्टेड देयर प्लान टू पुट इन टू एक्शन विदाउट लेटिंग एनी वन नो अबाउट इट. दे वॉन्टेड एनश्योर टू मेक देयर प्लान सक्सेसफुल. उन्होंने प्लान डिस्कस किया सीक्रेट में क्योंकि उन्हें ये चाहिए था कि उनका प्लान जो है किन्हीं को पता ना चले, किसी को पता ना चले, और वो ये चाहते थे कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, चलिए हम अब भी बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर. सेक्शन नंबर बी है, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली, तो ये आंसर हम ब्रीफली करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द गीज एंड हु वेयर दे नेम्ड आफ्टर. उन गीज का नाम क्या था और किन के नाम के बाद में उनका नाम रखा गया था. व्हाई डिड द गर्ल्स वॉन्ट टू हाइड द गीज, क्वेश्चन नंबर टू है कि गर्ल्स क्यों उन्हें छुपाना चाहती थी गीज को. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट एक्सक्यूज डिड बीना गिव फॉर वेयरिंग एन ओवरसाइज्ड ब्लेजर टू स्कूल. बीना ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों ओवरसाइज्ड ब्लेजर पहन के गई है स्कूल को. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट हैपेंड व्हेन द गर्ल्स ट्राइड टू कैप्चर द गीज, क्या हुआ जब गर्ल्स जो है गीज को कैप्चर गीज को जो है पकड़ने चली थी. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डिड सिस्टर स्टेली टेल द गर्ल्स अबाउट द गीज टू कंफर्ट देम. तो क्या हुआ, सिस्टर स्टेली जो गर्ल्स को बता रही थी कि गीज को कि क्यों पकड़ रही हैं. चलिए अब इसके आंसर्स हम जानते हैं. आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, सेक्शन नंबर बी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ गीज एंड हु वेयर दे नेम्ड आफ्टर. तो गीज के नाम क्या थे और किन के नाम के बाद उनका नाम रखा गया था. द नेम्स ऑफ गीज वेयर कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसन. दे वेयर नेम्ड आफ्टर फेमस एक्सप्लोरर्स. तो उनका नाम है जो फेमस एक्सप्लोरर्स के नाम के बाद रखा गया था. चलिए क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या था, व्हाई डिड द गर्ल्स वांट टू हाइड द गीज, गर्ल्स गीज को क्यों छुपाना चाहती थी. द गर्ल्स वांटेड टू हाइड द गीज बिकॉज दे थॉट दैट द गीज वेर गोइंग टू डाई, द हॉस्टल कुक वुड किल देम फॉर क्रिसमस फेस्ट. गर्ल्स जो है गीज को क्यों छुपाना चाहती थी, इसलिए छुपाना चाहती थी कि वो उन्होंने सोचा कि गीज को हॉस्टल कुक जो है उन्हें जो है खिला पिला के मोटा करके उन्हें मार देंगे क्रिसमस फीस्ट के लिए, इसीलिए वो उनको छुपाना चाहती थी ताकि उन्हें कोई मारे नहीं. चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री, आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से. आप अगर लिख रहे हैं तो आप उसको पॉज करते हुए लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं. तो हम लोग अभी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. तो तीसरा हमारा क्वेश्चन जो था, तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट एक्सक्यूज डिड बीना गिव फॉर वेयरिंग एन ओवरसाइज्ड ब्लेजर टू स्कूल. तीसरा एक्सक्यूज मतलब बीना ने क्या बताया कि वो ओवरसाइज ब्लेजर स्कूल को पहन के क्यों गई है वो, तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया है. बीना टोल्ड द वार्डन दैट द लेडी हु लिव्ड अपस्टेयर्स हर हाउस थ्रू सम वाटर ओवर द बालकनी एंड वेट माय ब्लेजर. हर मदर आस्क्ड हर टू वेयर द ओवरसाइज ब्लेजर.
तो बीना ने ये बताया अपने वार्डन को कि मैम जो लेडी रहती है हमारी, जो पड़ोस में रहती है अपस्टेयर्स में, तो वो क्या है अपने बालकनी से जो है पानी फेंक दिया उन्होंने, तो मेरा ब्लेजर तो गीला हो गया, तो उसकी वजह से मुझे मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे आज ये ब्लेजर पहन के जाना है, ओवर साइज ब्लेजर, जो कि लंबा है ब्लेजर, स्कूल का नहीं है लेकिन हम मुझे यही पहन के जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये पहन के आ गया आज स्कूल। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वॉट हैपेंड वेन द गर्ल्स ट्राई टू कैप्चर द गीज, जब गर्ल्स गीज को पकड़ने गई थी तब क्या हुआ था। वेन द गर्ल्स ट्राई टू कैप्चर द गीज, सिस्टर स्टीली लैश्ड आउट विद अ शार्प ऑथोरिटेरियन वॉइस फ्रॉम द डोरवे एंड डिमांडेड एक्सप्लेनेशन। तो जब गर्ल्स ट्राई कर रही थी गीज को पकड़ने के लिए, तो सिस्टर स्टीली जो है वहां पे आके खड़ी हो गई, शार्प वॉइस में उन्होंने आके डोरवे में जो खड़ी हो गई थी, और वो एक्सप्लेनेशन पूछ रही थी कि आप लोग क्यों पकड़ रही हैं गीज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पांचवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हम लोग का क्या था। वॉट डिड सिस्टर स्टीली टेल द गर्ल्स अबाउट द गीज टू कम्फर्ट देम। तो सिस्टर स्टीली जो है गीज के बारे में क्या बताती हैं, जो कि वो लोग अपने आप को फिर बाद में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो सिस्टर स्टीली कंफर्टेड द गर्ल्स बाय इंश्योरिंग देम दैट द गीज वेर नॉट टू बी किल्ड एंड दे वेर देयर्स टू प्ले विथ एंड लुक आफ्टर। सिस्टर स्टीली ने उन्हें कंफर्टेड गर्ल्स को कंफर्ट किया कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग के लिए ही ये खेलने के लिए है, आप लोग के साथ ये खेलने के लिए और इसका ध्यान रखने के लिए है, ना कि इसको खाने के लिए है। तो गीज जो है यहाँ पर आप ही लोग के लिए है, ना कि उसको मार के खाने के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिस्कस एंड राइट की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द गर्ल्स वेर राइट इन देयर प्लान टू स्टील द गीज। क्या आप समझते हैं कि जो गर्ल्स ने प्लान किया वो सही थी अपनी जगह पे, जो गीज को चुराने चली थी। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट योर नेबर डज नॉट गिव हिज और हर डॉग फूड एंड वॉटर ऑन टाइम एंड लॉक्स द डॉग आउट वेन ही और शी लीव्स होम, वॉट वुड यू डू। इमेजिन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इमेजिन, आप इमेजिन करें कि आपके नेबर में, आपके जो पड़ोसी हैं, वो अपने कुत्ते को जो है टाइम पे खाना और पानी नहीं देते हैं, और क्या करते हैं कुत्ते को जो है लॉक करके चले जाते हैं, उन कुत्ते को अकेले छोड़ के, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। चलिए हम लोग इसका आप आंसर जानते हैं, आप इस आंसर को खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए डिस्कस एंड राइट में जो है इसका फर्स्ट आंसर होगा, डू यू थिंक द गर्ल्स वेर राइट इन देयर प्लान टू स्टील द गीज। नो, आंसर होगा नो, द गर्ल्स वेर नॉट राइट इन देयर प्लान टू स्टील द गीज, बिकॉज दिस इज एन एथिकल वे। इट इज बेटर टू फाइंड एन एथिकल वे विच इज मॉरली राइट टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने समराइज करते हुए चैप्टर के उस टाइम बताया था मैंने कि ये एक सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है किसी भी चीज को अंजाम देने के लिए, जब तक कि आप उस चीज को अच्छे से जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते उस बात को, उस तक का आपको फिर प्रॉब्लम में पड़ने से अच्छा है उसका अच्छे से हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम अच्छे से उसको समझेंगे, बात को जानेंगे परखेंगे, तब हम उसका डिसीजन और सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वो एक सही तरीका नहीं था जो गर्ल्स ने किया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इमेजिन, जो कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, एक जो आपके पड़ोसी अगर है, तो पड़ोसी जो है कुत्ते को टाइम पर खाना और पानी नहीं देते हुए उसको अकेले बंद कर देंगे दरवाजे के अंदर, घर के अंदर, और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो आई वुड आस्क द ओनर टू टेक केयर ऑफ द डॉग, I would request them to give his dog proper food and water on time. I will also provide food and water to the dog if the owner is out. अब इसमें आप अपने answers भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका opinion है कि आप क्या करेंगे ऐसे situation में। तो मेरे हिसाब से मैंने लिखा कि
ओनर को तो हम बोलेंगे कि आप अपने कुत्ते का अच्छे से ध्यान रखिए और रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे टाइम से खाना और पानी दे अच्छे से, और कभी कभी मैं भी उसे प्रोवाइड कर दूंगी, ओनर से रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज को। तो आप भी अपने खुद के आंसर्स लिख सकते हैं, और आंसर आप नोट करते समय जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करते हुए लिख सकते हैं आंसर्स को। चलिए अब हम टेक्सुअल जो एक्सरसाइजेस है अब उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम अभी जानेंगे कोलोकेशंस। कोलोकेशंस किसको बोलते हैं? तो पहले हम लोग ये फ्रेजेस पढ़ेंगे। रीड दिस फ्रेजेस, विच वंस डू वी यूजुअली यूज? तो इनमें से कौन सा अक्सर हम ज्यादातर यूज करते हैं? रफल्ड फेदर्स, प्रैक्टिकल जोक, डिसऑर्डर्ड फेदर्स, प्रैक्टिकल हॉक्स। तो ये रफल्ड फेदर्स और डिसऑर्डर्ड फेदर्स है, प्रैक्टिकल जोक और प्रैक्टिकल हॉक्स। वी ऑलवेज से रफल्ड फेदर्स एंड प्रैक्टिकल जोक। दीज फ्रेजेस कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टूगेदर वाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग। सच कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड कोलोकेशंस। तो कोलोकेशंस किसे बोलते हैं? जो फ्रेजेस हम अक्सर यूज करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। ओके, तो वो टुगेदर जब यूज होते हैं तो हम राइटिंग और स्पीकिंग के टाइम में, तो उन कॉम्बिनेशंस को जब हम यूज करते हैं तो सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड कोलोकेशंस। ओके, तो फ्रेज वो भी होता है जो एक लॉन्ग सेंटेंस ना होके एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें हमको समझ में आ जाता है कि किस क्या बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए कोलोकेशंस को हमने समझ लिया। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ, जो कि चैप्टर का मैच द फॉलोइंग है। इसको हम मैच करते हुए जाएंगे। टेक्स्ट बुक में ही मैंने इसे मैच कर दिया है, तो आप भी नोट कर सकते हैं और बाद में फिर अपने कॉपी में भी, फेयर कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। तो मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी टू फाइंड सेम कोलोकेशंस। तो कोलोकेशन से हमने यहाँ पे जाना कि कोलोकेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो रेफर टू ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स दैट आर न्यू टू यू। तो कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है, तो हम कॉलम ए से बी को मैच करेंगे। तो शार्प क्या है? शार्प होगा वॉइस। तो इधर इधर देंगे हम नंबर 1, या फिर आप लाइन भी दे सकते हैं। पिन ड्रॉप, पिन ड्रॉप क्या होगा यहाँ पे? साइलेंस। तो हम पिन ड्रॉप क्यों बोलते हैं? पिन ड्रॉप साइलेंस, मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इसका होगा आंसर साइलेंस। रफल्ड, रफल्ड हम क्या बोलते हैं? फेदर्स। रफल्ड होगा फेदर्स। रोरिंग, रोरिंग का क्या होगा? लाफ्टर, जोर जोर से जो हंसते हैं हम, जोर जोर से आवाज करके, रोरिंग लाफ्टर। अब फिफ्थ नंबर जो है सीक्रेट, सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट प्लान, जो कि इस चैप्टर में सीक्रेट प्लान जो चल रहा था चारों गर्ल्स के बीच में। अब सेफर, सिक्स्थ नंबर है सेफर पैस्चर्स। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ ही मैच करते हुए जाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। तो चलिए, द वर्ड्स एडोरेबल, लवेबल एंड चार्मिंग आर सिमिलर इन मीनिंग। तो इन तीनों का मीनिंग जो है सिमिलर है, तो दे आर ऑल सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स हम किनको बोलेंगे? सिनोनिम्स किनको बोलेंगे हम? जो कि वर्ड्स उसका मीनिंग, जो वर्ड्स तो दिया है यहाँ पे तो उसका मीनिंग जो है सिमिलर है, एक ही जैसा वर्ड है, तो वो क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गए। चलिए, तो सेक्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ अदर वर्ड इन द ग्रुप। जो कि सिनोनिम नहीं है ग्रुप में, उसे हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, मतलब उसका मीनिंग ऑपोजिट होगा। देखिए यहां पे, वर्केबल, प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, यूजफुल। तो देखिए यहां पे हम लोगों को क्या देखना है? वर्केबल, काम करना होता है, प्रैक्टिकल भी जो है हम प्रैक्टिकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्रैक्टिकल जो भी काम करते हैं वो करके ही दिखाते हैं, यूजफुल, ठीक है, यूजफुल चीजें जो भी। यहाँ पे एक अलग ऑड वन जो क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इनसे मैच नहीं करता, तो ये हो गया, इसको सर्कल करते हैं हम लोग। चलिए
नोटिस ऑब्जर्व सी इग्नोर. नोटिस करना भी, किसी को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना भी, सी ये हो गया, तीनों का मीनिंग एक जैसा हो गया. इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, तो ये हो गया अलग. तो ये हम लोग यहां सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जाने. सिनोनिम्स का मतलब है कि सेम मीनिंग होना, वर्ड्स तो अलग अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है. एंटोनिम का क्या है, अलग मीनिंग है. ठीक है, अब यहां पे देखिए अफर्मेटिव पॉजिटिव फेवरेबल, तो यहां पे अफर्मेटिव भी पॉजिटिव ही हो गया. अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है जैसे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब फेवर में होना, ये भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो इनका सबका मीनिंग सेम है लेकिन यहां पे देखिए नेगेटिव, ये है मीनिंग अलग, तो ऑड है ये, तो नेगेटिव इसको हम सर्कल करेंगे. ठीक है, अब पॉज फोर्थ नंबर है. पॉज कंटिन्यू स्टॉप हॉल्ट, हॉल्ट मतलब भी रुकना होता है, स्टॉप मतलब भी रुकना होता है, पॉज मतलब भी रुकना होता है. ठीक है, कंटिन्यू अब ये तो ऑपोजिट है स्टॉप का, कंटिन्यू तो यहां देखिए ये तीनों का एक जैसा मीनिंग है, और तो यहां पे कंटिन्यू होगा हम लोग का ऑड, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में स्करी हरी डॉडल रश. स्करी हरी रश का एक जैसा ही मीनिंग होता है, तो यहां पे अलग है हमारा डॉडल, तो इसको हम सर्कल कर देंगे. चलिए नेक्स्ट है सिक्स नंबर है ड्रेड हॉरर फ्राइट करेज. तो यहां पे इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, फ्राइट हॉरर जो भी है, तो ये डरावना और ये करेज है, यहां पे ये अलग मीनिंग है, तो ये इसको सर्किल करते हैं. सेवेंथ वाला है स्टर्नली स्ट्रिक्टली सीरियसली माइल्डली. तो यहां पे स्टर्नली स्ट्रिक्टली सीरियसली जो है ये सेम मीनिंग है इनका, और इनका अलग है, तो ये माइल्डली को हम सर्किल करेंगे. नेक्स्ट है इंडिग्नेंट प्लीज्ड एंग्री एनॉयड. तो यहां पे अलग मीनिंग हो रहा है इसका प्लीज्ड, तो इसको सर्कल करेंगे. चलिए द वर्ड्स दैट आर यू सर्कल्ड इन द एक्सरसाइज अबो आर ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच ग्रुप. अ वर्ड दैट मीन्स ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड एंटोनिम. तो सिनोनिम में हमने क्या जाना था कि सिनोनिम में जैसे वर्ड्स तो अलग अलग है लेकिन उनका मीनिंग सेम है, आर सिमिलर इन मीनिंग, तो उसे बोलते हैं सिनोनिम्स. तो एंटोनिम का मतलब ये है कि जो वर्ड है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो है एंटोनिम. तो इसमें से हम लोगों ने जो है देखा है जो सर्कल नहीं है वो उनका सेम मीनिंग है, वर्ड्स तो अलग है लेकिन सेम मीनिंग है, लेकिन क्या है ये जो है ऑपोजिट मीनिंग होता है, तो इसीलिए ये एंटोनिम है. तो समझ में आया, आई होप सबको सिनोनिम और एंटोनिम किसे बोलते हैं वो समझ में आ गया अच्छे से होपफुली. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो लिसन टू दीज वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड. गीज नर्वस रेस्क्यूइंग, तो ये तीन वर्ड्स यहां पे दिए गए हैं तो इन्हें समझते हैं हम. द वर्ड गीज हैज अ सिंगल सिलेबल. अब यहां हम लोग सिलेबल समझ रहे हैं कि क्या है. द वर्ड नर्वस हैज टू सिलेबल्स. द वर्ड रेस्क्यूइंग हैज थ्री सिलेबल्स. अब सिलेबल्स का मतलब क्या है हम आसान भाषा में जानते हैं, समझते हैं इसको कि सिलेबल्स क्या होते हैं. गीज जैसे हम एक ही बार में एक ही फ्लो में बोल पा रहे हैं तो वो गीज. नर्वस नर्वस यहां पे देखिए नर्वस, तो ये हम दो बार में बोल पा रहे हैं तो नर्वस, तो ये यहां पे दो सिलेबल्स हो गए. ठीक है, तो ये रेस्क्यूइंग रेस्क्यूइंग हैज थ्री सिलेबल्स. तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है अच्छे से कि रेस्क्यूइंग तीन बार में हम बोल पा रहे हैं एक वर्ड को. रेस्क्यूइंग तीन बिट्स में हम बोल पा रहे हैं. नर्वस गीज, गीज को हम एक ही सांस में एक ही फ्लो में बोल पा रहे हैं तो ये इसका सिंगल सिलेबल है. तो यहां पे टू सिलेबल्स इसलिए क्योंकि हम नर्वस को दो भागों में या दो बिट्स में पढ़ पा रहे हैं. नर्वस रेस्क्यूइंग तीन बिट्स में इसको पढ़ रहे हैं. तो सिलेबल्स मेक इट इजी टू स्पीक एंड स्पेल वर्ड्स. तो इसी तरह जैसे छोटे बच्चे जो है पढ़ते हैं जब भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो सिलेबल्स में जब हम उन्हें बताते हैं वर्ड्स को बिट्स में बांट बांट के तब वो अच्छे से समझ पाते हैं.
The most syllables have a vowel sound. So, a word with three vowel sound would have a three syllables. तो जिनका वोवल साउंड करता है तो जो है तीन सिलेबल्स होते हैं. चलिए तो अब यहां एक्सरसाइज में हम जानते हैं कि सिलेबल्स मेक इट इजी टू स्पीक. ये तो हो गया हम लोग का. चलिए से ईच ऑफ दीज वर्ड्स अलाउड. तो यहां पे एक एक वर्ड हमको जोर से बोलना है ताकि हमको पता चले कि इसमें कितने सिलेबल्स प्रेजेंट है. पे अटेंशन टू द साउंड और सिलेबल्स, देन राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड. तो अटेंशन, अटेंशन तीन सिलेबल्स है यहां पे. सेकेंड में देखिए, बिगिनिंग, बिगिनिंग यहां पे तीन सिलेबल्स है क्योंकि यहां पे तीन भागों में बांटा जा रहा है, बिगिनिंग. चलिए यहां पे है डिस इंटीग्रेट, डिस इंटीग्रेट तो यहां पे फोर सिलेबल्स हो गया. यहां पे नंबर हम लोग फोर देंगे. तो जहां जितने सिलेबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं जितने बिट्स में वहां हम बॉक्स में फिल करते जाएंगे. ठीक है, अटेंशन जो कि तीन है, बिगिनिंग तीन, डिस इंटीग्रेट तो फोर बिट्स में हम इसको पर पढ़ पा रहे हैं तो इसे यहां लिखेंगे फोर. चलिए अब फोर्थ वाले में पढ़ जाते हैं हम लोग. एक्सटेटिक, एक्सटेटिक तीन. फॉरगॉटन, फॉरगॉटन थ्री सिलेबल्स हियर. चलिए इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट यहां पे है तीन सिलेबल्स. जर्नी, जर्नी दो सिलेबल्स. सोलेस, सोलेस टू सिलेबल्स. स्टूडेंट, स्टूडेंट टू सिलेबल्स. ट्री हाउस, ट्री हाउस टू सिलेबल्स. इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यहां पे फोर सिलेबल्स है, ध्यान से देखिएगा. इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो चार यहां पे बीट्स हम लोग चार सिलेबल्स है यहां पे. ऑब्लिग, ऑब्लिग हियर देयर इज टू सिलेबल्स. चलिए चलिए अब हम ग्रामर की ओर बढ़ते हैं. तो यहां पे हम लोग जानेंगे अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो टिक द नेगेटिव सेंटेंसेस. विल वी लेट द गूस डाई, विल वी लेट द गूस डाई, वी विल नॉट लेट द गूस डाई. तब आगे हम अच्छे से इसको समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है. चलिए आइए, we use the word not with an auxiliary verb to form a negative sentence. तो हम जो है not use करते हैं auxiliary verb के साथ ताकि negative sentence बने. ठीक है, तो वो किस तरह के sentence है वो हम यहां पर जानते हैं exercise में. To read the instructions and change the affirmative sentences to the negative sentences. तो यहां पर instructions को अच्छे से समझते हुए हमको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे. ठीक है, शी सिंग्स यहां पे दिया गया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन मिलेगा यूज डू नॉट या डज नॉट बिफोर द मेन वर्ब. ठीक है, तो मेन वर्ब के आगे हमको क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट. तो यहां पे क्वेश्चन है शी सिंग्स, तो यहां पे क्या लगेगा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट सिंग. ठीक है, यहां पे डू नॉट या डज नॉट हमें लगाना है मेन वर्ब के सामने. सिंग्स है यहां पे, तो यहां पे इसके सामने हम लोग लगाएंगे डज नॉट. ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आर माई फ्रेंड्स. तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज नॉट आफ्टर द वर्ब्स. तो यहां पे देखिए इज, एम,
आर, तो ये जो है वर्ब्स है इज एम आर, इसके आगे हमको क्या लगाना है, नॉट। तो देखिए यहां पे आर है यहां पे, तो इसके आगे हमको क्या लगाना है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। जैसे ही नॉट लग गया यहां पे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री, शी हैज ब्यूटिफुल हेयर। यहां पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यूज डू नॉट या डज नॉट बिफोर हैज या हैव। हैज या हैव के सामने हमको क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट, तो जो सेंटेंस में सूट होता है। देखिए शी डज नॉट हैव ब्यूटिफुल हेयर, यहां पे क्या है, शी हैज ब्यूटिफुल हेयर, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि उसका एक ब्यूटिफुल बाल है, बहुत ही सुंदर बाल है। लेकिन शी डज नॉट हैव ब्यूटिफुल हेयर, उसका ब्यूटिफुल बाल नहीं है, सो डज नॉट हम यूज कर रहे हैं यहां पे, डज नॉट। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे हम लोगों ने जाना कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो डू नॉट, डज नॉट, तो यहां पे हम लोगों ने इस तरह से सेंटेंसेस नेगेटिव चेंज किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, नाउ टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंटेंसेस यू रोट। द सेंटेंसेस बिकम ऑपोजिट इन मीनिंग, फर्स्ट वाला है, सेंटेंसेस जो है ऑपोजिट भी हो जाता है मीनिंग का, सही है। तो ये जो है सेंटेंसेस बिकम ऑपोजिट इन मीनिंग, तो जी हाँ, सेंटेंस का ऑपोजिट मीनिंग भी होता है। ठीक है, इसका राइट होगा, तो द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, सेंटेंसेस का सेम मीनिंग भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं, वी कैन ऑल्सो फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग ऑपोजिट एंड नेगेटिव वर्ड। तो हम लोग कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, यहां पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज अस्लीप, द चाइल्ड वॉज अस्लीप, द चाइल्ड वॉज नॉट अवेक। तो इसका यहां पे हम लोग क्या हम समझे यहां से, तो नोटिस दैट द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, तो यहां पे सेंटेंस का सेम मीनिंग हुआ, जैसे कि चाइल्ड वॉज अस्लीप, चाइल्ड वॉज अस्लीप, द चाइल्ड वॉज नॉट अवेक, तो चाइल्ड मतलब जागा हुआ नहीं था, अवेक मतलब जगा हुआ नहीं था, वो सो चुका था, द चाइल्ड वॉज अस्लीप, बच्चा सो ही रहा था, और यहां पे बच्चा जो है जगा हुआ नहीं था, तो इसका सेंटेंस का सेम मीनिंग हुआ। चलिए अब यहां पे वर्क, पेयर वर्क है, टेक टर्न्स टू से ईच सेंटेंस, योर पार्टनर विल चेंज इट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग अ नेगेटिव वर्ड एंड ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पे अपने पार्टनर के साथ आप चेंज कीजिए वर्ड्स को, चेंज इट इंटू ए नेगेटिव सेंटेंस, तो आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज डिसप्लीज एट बींग लेफ्ट ऑफ द टीम, द बॉय वॉजेंट प्लीज एट बींग लेफ्ट ऑफ द टीम। यहां पे एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं, द बॉय वॉज डिसप्लीज एट बींग लेफ्ट ऑफ द टीम, तो जो बॉय है वो प्लीज्ड नहीं था कि टीम से वो निकल चुका है, तो द बॉय वॉजेंट प्लीज एट बींग लेफ्ट ऑफ द टीम, तो इसका भी सेम ही मीनिंग हुआ कि वॉजेंट, यहां पे नेगेटिव वर्ड तो यूज हुआ ही है, और इसका मतलब भी यही हुआ कि द बॉय वॉजेंट प्लीज्ड, तो वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रहा था कि वो टीम से लेफ्ट हो चुका है। वट एवर यू हैव सेड सो फार इज फॉल्स, Whatever अभी तक जो तुमने कहा वो is false, अभी तक जो कुछ भी तुमने कहा है वो false है, वो गलत है। तो यहाँ false की जगह हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे word not true, तो whatever you have said so far is not true, तो ये क्या हो गया, negative में change हो गया, ये sentence आपका negative में change हो गया, तो words को हम यहाँ पे change कर रहे हैं, तो negative sentence हम create कर रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड्स को, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स लिख के, जैसे कि नॉट, नॉट हम लगाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो इस वजह से ये सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला है, फाइंडिंग योर वे आउट ऑफ हियर विल बी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे हम डिफिकल्ट वर्ड को चेंज करते हुए नॉट ईजी लिखेंगे, तो फाइंडिंग योर वे आउट ऑफ हियर विल बी
नॉट इजी, तो यहां पे ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. यू कैन सी द पॉइंट ऑफ दिस पेंसिल इज ब्लंट, इस पेंसिल का पॉइंट जो है ब्लंट है, तो इसको हम क्या क्या भी लिख सकते हैं, यू कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ दिस पेंसिल इज नॉट शार्प, मतलब वो शार्प नहीं हो के वो मोटा है, पेंसिल ब्लंट है. तो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, ब्लंट को अंडरलाइन करते हुए, नॉट शार्प. फोर्थ वाला क्वेश्चन है, दे विल बी एंग्री टू सी दैट योर रूम इज स्टिल डर्टी, तो वो देख करके गुस्सा होंगे कि आपका रूम अभी तक गंदा है. तो यहाँ पे डर्टी को हम अंडरलाइन करते हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देखते हैं. चलिए, दे विल बी एंग्री टू सी दैट योर रूम इज स्टिल नॉट क्लीन, तो डर्टी की जगह हम क्या लिखते हैं, नॉट क्लीन का मतलब गंदा ही है, तो मीनिंग तो सेम है लेकिन सेंटेंस भी नेगेटिव बनता जा रहा है. चलिए अब लास्ट वाला है हम लोग का, The children were disobedient, so they were scolded. तो बच्चे जो है disobedient थे, कहना नहीं मानते थे किसी का भी, और उन्हें डांटा गया. So the children were disobedient, so they were scolded की जगह हम change करते हैं not praised. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का negative sentence. चलिए अब हम बढ़ते हैं question tag की ओर. तो question tags हम पढ़ेंगे अब. A question tag is a short question added at the end of a sentence to convert it into a question. Read these rules about the forming question tags. देखिए question tag जो होता है वो एक short question है, एक जो कि end sentence के end में add किया जाता है ताकि convert करे वो sentence को convert कर दे हम question में. तो छोटा सा एक वर्ड फॉर्म होके क्वेश्चन टैग लग जाता है. तो किस तरह के उसके रूल्स है और किस तरह के उसके एग्जाम्पल्स है हम लोग आइए अच्छे से समझते हैं. तो रूल्स क्या है, यूज ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर अ नेगेटिव स्टेटमेंट. जहां पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे. तो किस तरह का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, यू डोंट लाइक डांसिंग, डू यू, यहाँ पे क्या पूछा गया है, डू यू, यू डोंट लाइक डांसिंग. अब नेगेटिव सेंटेंस तो है यहाँ पे डोंट लग चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, डू यू, इस तरह से. तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा है. चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं, दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यूज ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर ए पॉजिटिव स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए. पहले रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए. यहाँ पे है नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, जस्ट ऑपोजिट है. तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, दे लाइक टू गो स्विमिंग, डोंट दे, यहाँ पे डोंट लग गया है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है. यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, दे लाइक टू गो स्विमिंग, They like to go swimming. वो swimming करना अच्छा लगता है. तो यहाँ पे don't they, ये question tag है negative. ठीक है, चलिए यहाँ पे third rule है, use shall plus we for statements beginning with let's. जहां पे let's से शुरू होता है वहां पे shall plus we start करेंगे. ठीक है, जैसे कि example, let's have a bicycle race, shall we, शैल प्लस वी लगाएंगे हम लोग उस क्वेश्चन टैग के लिए जहां पे लेट्स शुरू होता है. जहां पे भी ये एक रूल है, तो जहां पे भी लेट्स शुरू होता है, लेट्स से सेंटेंस या स्टेटमेंट शुरू होता है, वहां पे हम लोग का क्या रहेगा, शैल वी, इस तरह का क्वेश्चन टैग लगेगा, शैल वी. ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल है, यूज विल प्लस यू फॉर एन इंपरेटिव सेंटेंस. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विल प्लस यू कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के लिए. ठीक है, फिनिश योर फूड, फिनिश योर फूड, विल यू, विल यू, ये हम लोग का क्वेश्चन टैग है. तो यहाँ पे विल प्लस यू जो है, यहाँ पे रूल बताया गया था इम्परेटिव सेंटेंस के लिए. ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, यूज दे फॉर स्टेटमेंट्स बिगिनिंग विथ somebody
nobody, anybody or everybody. Use they for statements. कभी भी हम लोग को दे यूज करना है. कौन से स्टेटमेंट्स में? जहां पर भी स्टेटमेंट्स में शुरू में आता है somebody, nobody, anybody या everybody. तो यहां पे क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल हम लोग का क्या दिख रहा है यहां पे. Anybody can draw a fish. Can't they? Can't they? देखिए दे हम लोगों ने यूज किया कब, देखिए यहां पे बिगनिंग कैसा हो रहा है सेंटेंस का, somebody, nobody, anybody या everybody. तो यहां पे anybody दिया गया है. Anybody can draw a fish. कोई भी fish draw कर सकता है. Can't they? यहां पे हम लोगों ने they add किया. ठीक है, तो ये हो गया examples और rules. आइए हम लोग अभी एक्सरसाइज में देखते हैं किस तरह के आते हैं. अंडरलाइन द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर ईच स्टेटमेंट. हर एक स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को क्वेश्चन टैग लगाना है. तो किस तरह का क्वेश्चन टैग आएगा, देखिए यहां पे. शी हैजंट सीन दैट फिल्म. हैजंट शी या है शी? यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन टैग लगाना है करेक्ट वाला. तो यहां पे हम लोगों ने रूल्स तो जाना ही है कि किस किस तरह के रूल्स आते हैं. ठीक है, तो उस रूल्स के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, शी हैजंट सीन दैट फिल्म. हैजंट शी या हैज शी? जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है. तो हैज शी, ठीक है, ये होगा आंसर, हैज शी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस डज लुक वेरी ओल्ड. डज इट, डजंट इट? जब यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया है तो हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना. तो यहाँ पे हो गया हम लोग का डज इट या डजंट इट. तो डजंट इट, दिस हाउस डज लुक वेरी ओल्ड, डजंट इट? ये है नेगेटिव क्वेश्चन टैग. ठीक है, दे विल हैव टू बाय द टिकट्स. वोंट दे या विल दे? वोंट दे. ठीक है, ये होगा हम लोग का क्वेश्चन टैग. Everybody is coming for the picnic. Don't they? या aren't they? So everybody is coming for a picnic. सभी लोग तो पिकनिक के लिए आ रहे हैं. Aren't they? So this is a question tag. चलिए fifth वाला. Let's check if your answers are correct. Should we या shall we? Yes? Should be या shall be? तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे पढ़ा था, यूज, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ही था जस्ट अभी, शल और वी यूज करते हैं. जहां पे भी लेट्स, जहां पे भी लेट्स लगता है वहां पे क्या करेंगे हम लोग, शल वी लगाएंगे. तो लेट्स चेक इफ योर आंसर्स आर करेक्ट, शल वी. तो ये हो गया क्वेश्चन टैग हम लोग का. अब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोग पहले अभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. Change these sentences as directed. So, there is a park and a market close by. तो change to a question tag. इसको instructions के अनुसार हमको change करना है, तो यहाँ पे दिया है change to question. ठीक है, इसको question में हमको बदलना है. तो किस तरह बदलेंगे हम लोग, answers में देखेंगे. अभी हम लोग पहले questions ही देख लेते हैं. Is that a goldfish in the fish bowl? Change into a negative sentence. तो इसको हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस पे चेंज करना है. नेक्स्ट हो गया, प्लीज डोंट गो देयर विदाउट माय परमिशन. चेंज टू ए कमांड. कमांड में हमको इसको चेंज करना है. दैट इज अ वेरी प्रिटी बंच ऑफ फ्लावर्स. चेंज टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जो कि एक्साइटेड वे में हमको एक्सक्लेम करते हुए इसको चेंज करना है. फिफ्थ वाला है, आर देयर एनी स्वीट्स इन द पैकेज. चेंज टू एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, अब लास्ट वाला है, दे आर टॉल फॉर देयर एज. चेंज टू ए नेगेटिव सेंटेंस विद द सेम मीनिंग. चलिए अब इसके आंसर्स हम लोग जानते हैं. चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग तो जान लिए हैं. चेंज दी सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का. तो पहला हम लोग का क्वेश्चन था, पहला हम लोग का क्वेश्चन था कि इज द सॉरी देयर इज अ पार्क एंड अ मार्केट क्लोज बाय. इसको हमको चेंज करना था क्वेश्चन में. तो यहां पे इसका आंसर होगा, इज देयर अ पार्क एंड अ मार्केट क्लोज बाय. ठीक है, इसका ये आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दैट अ गोल्ड फिश इन द फिश बाउल. इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था. तो इसका आंसर होगा, दैट इज नॉट ए गोल्ड फिश इन द फिश बाउल.
यहाँ पे हमको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है, तो यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक है. दैट इज नॉट अ गोल्ड फिश इन द फिश बाउल. चलो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट गो देयर विदाउट माई परमिशन. तो इसको कमांड में हम चेंज करेंगे. कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर, तो हम उसको कमांड करेंगे, डोंट गो देयर विदाउट माई परमिशन, ठीक है. तो ये कमांड में चेंज होता है. तो इस तरह का ये थर्ड हम लोग का आंसर है, डोंट गो देयर विदाउट माई परमिशन. नाउ फोर्थ वन, देयर इज वेरी प्रिटी बंच ऑफ फ्लावर्स. तो हमको इसको एक्सक्लेम करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको चेंज करना है. वॉट अ प्रिटी बंच ऑफ फ्लावर्स दैट इज, यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. What a pretty bunch of flowers that is. तो हम यहाँ पे exclaim कर रहे हैं खुशी, मतलब एक देखते हुए कुछ भी, एक सुंदर सा फूल को देखते हुए जो expression आता है, What a pretty bunch of flowers that is. तो इस तरह का answer होगा हम लोग का. चलिए fifth वाला है, Are there any sweets in the packet? Change into an affirmative statement. तो यहाँ पे हमको affirmative, affirmative का मतलब होता है कि positive sentence में change करना है हमको. तो देर आर स्वीट्स इन द पैकेट. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आर देर एनी स्वीट्स इन द पैकेट. आंसर है देर आर स्वीट्स इन द पैकेट, ठीक है. यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस था हम लोग का, देर आर स्वीट्स इन द पैकेट, ठीक है. नहीं आएगा, चलिए लास्ट वाला है, दे आर टॉल फॉर देर एज. चेंज टू ए नेगेटिव सेंटेंस विथ द सेम मीनिंग. तो हमको चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस रहना है लेकिन सेम मीनिंग होना भी है. तो दे आर नॉट शॉर्ट फॉर देयर एज. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, दे आर टॉल फॉर देयर एज. तो यहाँ पे आंसर होगा दे आर नॉट शॉर्ट फॉर देयर एज. नेगेटिव भी है और सेम मीनिंग भी है. नेगेटिव हम सेंटेंस चेंज भी किया है और लेकिन मीनिंग भी सेम है, ठीक है. तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं. आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा ये चैप्टर. तो गूस चेज यूनिट वन क्लास सिक्स का जो गूस चेज है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने आराम से समझाया सारा चीज को, अच्छे से सॉल्व करते हुए, एक एक चीज को समझते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, समराइज करते हुए, चैप्टर को रीडिंग करते हुए, उसका मीनिंग जानते हुए, सारा चीज तो हम लोगों ने किया है. आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे हो और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी जिनको जरूरत है इस चैप्टर की वो उन तक पहुंच सके. और जो भी वीडियोस नए नए अपडेट्स आते रहेंगे उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस और नए नए वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहे. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.